बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद। वतुईज़ु मंतशा वतुज़िलु मंतशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स माशाल्लाह फिट फाट होंगे। जी आज मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ, माशाल्लाह एक छोटे से सेटअप के अंदर, और यूनिक शौक है माशाल्लाह। हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं डॉक्टर शहज़ाद भाई, होम्यो डॉक्टर हैं। चले आएँ, आपको इनको छोटा सा और नफीसा शौक भी दिखाते हैं और इनके बर्ड्स भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम जमान भाई, और शहज़ाद भी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मन अल्हम्दुलिल्लाह, पाक की रहमत, आप जैसे भाइयों का प्यार है। जी जैसा कि आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त, शहज़ाद भाई माशाल्लाह होम्यो डॉक्टर हैं पैशन के लिहाज से, तो आप अभी तो इस वक्त हम इनके क्लिनिक के अंदर मौजूद हैं, तो आपको मैं लेके चलता हूँ शहज़ाद भाई की तरफ। जी शहज़ाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बिल्कुल जी अल्लाह का। और शहज़ाद भाई माशाल्लाह इतने अच्छा पैशन है आपका, माशाल्लाह होम्यो डॉक्टर हैं बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह, और इसके साथ साथ लव बर्ड की जो जर्नी है ये क्या सीन है आपका? देखिए जी, बीए के प्रोफेशनल मेडिकल के साथ ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन इसके साथ जो माइंड को रिलैक्स करने के लिए ना बर्ड्स का शौक़ तो पहले ही से ही है। एनिमल लवर हूँ, ठीक है, ठीक ठीक माशाल्लाह। और जैसे मार्केट में लोग लव बर्ड्स की तरफ जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक स्टेप लेना चाहिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी के लिए। सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़े से बर्ड कलेक्ट किए मुख्तलिफ फैंसियर से, ठीक है। तो वो उनको एक साल पूरा रखा है और इस साल उनकी ब्रीड भी आई है। तो अच्छा, मतलब माशाल्लाह शहज़ाद भी आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है? हाँ जी, ये मैंने फर्स्ट ईयर ही ली। जबरदस्त। अच्छा तो शहज़ाद भाई माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं आप तो माशाल्लाह मेडिकल को बड़ा अच्छा समझते हैं जी, तो बर्ड्स को कैसा लगा आपको, उनकी साइकी समझने में, बर्ड्स को समझने में पूरा एक साल आपने लिया, कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई आपको? नहीं, मुश्किल बिल्कुल पेश नहीं आई, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर कहूँगा कि लव बर्ड्स के लिए थोड़ी सी ये है कि आप इनको अपनी फैमिली के अंदर यानी घर में उस सेटअप पे नहीं रख सकते जहां आपका आना जाना है, इसको प्राइवेसी जगह पे चाहिए, थोड़ी जगह हो। आपने ये चीज ऑब्जर्व की है? बिल्कुल की है, मैंने कुछ वीडियोस में ये देखा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बेशक घर के कोने में इनको रख ले, थोड़ी सी जगह पे भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट लेने का मकसद ये नहीं है कि आप घर पे रख लें और बाद में कहीं ब्रीड नहीं आ रही। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने विद इन वन ईयर जो आपने माशाल्लाह बर्ड्स को लगाए हुए, कौन कौन से बर्ड आपने लगाए हुए? मैंने अल्बाइनोस और पार्ब्लूज, ऑपलाइंस और पेल फेलोज भी रखे हैं। अच्छा तो शहज़ाद भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि माशाल्लाह आपको साल हो गया एक बर्ड रखे हुए, जी जी, ज़ाहरी बात है आपने बर्ड से ब्रीड भी ली है, तो बर्ड्स के साथ आपकी कैसी लाइफ गुजरी है एक साल के अंदर, आपने क्या क्या आपका सीन हुआ उनके साथ, क्या क्या मुश्किलात आई हैं या क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं उनके साथ? देखिए, मुश्किलात तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले क्योंकि जानदार चीज़ है, बिल्कुल, आपने सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठना है, नमाज से फारिग होना है, उसके बाद आपने उनका दाना पानी करना है, ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्ट फूड है, दाना है, जो भी है उनके पॉट्स हैं वो चेक करने हैं, उनमें पानी देखना है, सर्दी है तो थोड़ा नीम गर्म डालना है, गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी देना है, ठीक है, उनके टेम्परेचर का डेली आपने जो चेकअप करना है कि रूम टेम्परेचर क्या है, उसमें आपकी ह्यूमिडिटी कितना लेवल जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। सेकंड, आपने वन बाय वन बर्ड्स को देखना है कि कोई बर्ड बीमार तो नहीं, उसका बिहेवियर कोई ख़राब तो नहीं हो रहा, कोई लड़ तो नहीं रहे आपस में। अच्छा तो शहज़ाद भाई माशाल्लाह आपको एक साल हुआ है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे आपके साथ, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि माशाल्लाह आपने एक साल के अंदर किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, और हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे आपके, वो ये चीज़ें नोटिस करके बर्ड्स बाय करें या बर्ड्स हॉबी के अंदर आएँ? सबसे पहले मैं ये बात अपने दोस्तों से शेयर करना ज़रूरी समझूँगा कि सबसे पहले आप ये देखें कि आप जब बर्ड का काम शुरू करने लगे हैं अपने घर में, आपको फैमिली सपोर्ट है, बिल्कुल। सेकंड, जिस ब्रीडर से आप बर्ड लेने लगे हैं क्या वो अपने बर्ड को ऑन करता है? बिल्कुल। सेकंड, जो बर्ड आप लेने जा रहे हैं सबसे पहले उसकी मार्केट वैल्यू चेक करें, सेकंड आप जिस ब्रीडर से ले रहे हैं उसकी जो है मार्केट वैल्यू चेक करें कि वो अपने मार्केट में कैसी रेपुटेशन रखता है, ठीक है, क्योंकि कल को अगर उसके बर्ड में लेट सपोज वो स्प्लिट करके देता है, अगर वो स्प्लिट नहीं निकलता तो आप उसको क्लेम करते हैं, वो उसे ऑन करेगा, तो इसके लिए मेरे ख्याल से शहज़ाद भी सबसे पहले नॉलेज होना आपके पास लाजमी है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने सबसे पहले एक बात पहले कही कि आप मार्केट चेक करें। अब मिसाल के तौर पर ऑपलाइंस है, जिन लोगों ने पिछले साल 50,000 का पेयर खरीदा था, बड़े वो कह लें कि सिफारशों से लिया होगा 50,000 का पेयर उन्होंने, इस साल वो 30,000 का भी नहीं बेच रहे। रीजन,
उन्हीं ब्रीडर्स ने जिन्होंने 50,000 का सेल किया था, इस साल उन्होंने खुद से रेट कम कर दिए हैं, सिर्फ एक मार्केट को खराब करने के लिए। सही, तो उस वजह से आके जो नया फैंसियर है वो लाजमी तौर पर डिसार्ड होता है। डिसार्ड होता है बिल्कुल जी। आपने माशाल्लाह राय पेश की अपनी, तो बाकी उम्मीद है कि व्यूअर्स भी इस बात को नोटिस में रखेंगे। बिल्कुल लाजमी, तो चले शहजाद भी हमें अपने सेटअप का विजिट करवाएं। आए जी बिल्कुल, तो दिखाएं माशाल्लाह आपने कौन कौन से बर्ड और आपके पास ब्रीड कैसी आई है। जी शहजाद भाई, अपनी एवरी का सबसे पहले कहाँ से बर्ड दिखाना पसंद करेंगे आप? जमान भाई, ये मेरा फर्स्ट पेयर है, इसमें ग्रीन स्प्लिट ऑफ लाइन, स्प्लिट ब्लू वन ब्लू टू, और इसके साथ ग्रीन यूविंग ऑफ लाइन की जो है वो फीमेल है माशाल्लाह। इनका थर्ड क्लच है और लिंग आई हुई है इसकी माशाल्लाह। मतलब आप पहले दो क्लच ले चुके हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या रिजल्ट रहा, क्या आने की रिश्वत रही आपके पास? इसमें ग्रीन चिक्स भी आए थे और अप्लायंस भी आए हैं, ग्रीन यूविंग अप्लायंस भी आए हुए हैं। जबरदस्त, और बहुत अच्छी रेशियो रही है स्प्लिट बर्ड के साथ माशाल्लाह। तो अब इसके बाद इसके अंदर क्या मौजूद है, ब्रीड आई हुई है? हाँ जी, नहीं इसके एग की लेइंग हुई हुई है माशाल्लाह। ये चार अंडे, मेरे ख्याल से अभी इसकी लेइंग स्टार्ट है। जी जी, खत्म होने वाली है। चलिए जी, अल्लाह पाक इसमें आपको मजीद बरकत दे। आमीन जी आमीन। ये पार्बलू स्प्लिटिनो और उसके साथ एक स्प्लिट बर्ड मैंने लगाया, क्योंकि मेरे पास लगाया आपने? जी, मेरे पास रेड आई अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट बर्ड लगा दिया। जबरदस्त, तो इसकी आपने ब्रीड ली है फिर आपने? नहीं, मैंने इसकी ब्रीड नहीं ली, मैंने इसको एज ए फोस्टर यूज़ किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे फोस्टर किए हैं इसने माशाल्लाह। इसका मतलब अभी इसके अंदर बच्चे मौजूद? हाँ जी, बच्चे इसमें मौजूद है। इसके अंदर वॉयलेट पार ब्लू और फिशरीज है इसके अंदर? हाँ जी, दो फिशरीज हैं और एक वॉयलेट पार ब्लू अप्लाइन है माशाल्लाह, बहुत प्यारे उसने फोस्टरिंग की है। जबरदस्त, ब्लू स्प्लिट अप्लाइन का मेल है और साथ इसमें है वॉयलेट पार ब्लू की हेन। जबरदस्त, और इसकी माशाल्लाह ब्रीड आई हुई है। और तो बॉक्स के अंदर चिक्स आए हुए हैं? जी बिल्कुल आए हुए हैं, पाँच अंडे थे, पाँच के पाँच ही हैच हुए हैं और सारे उसके बेबी जो है वो आ गए हैं। अच्छा, तो शहजाद इसका कौन सा क्लच चल रहा है? ये इसका थर्ड क्लच है। जबरदस्त, पहले दो में क्या रिजल्ट रहा इसका? पहले में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है, उसमें पार ब्लू अप्लाइन निकला था माशाल्लाह और दो फिशरीज निकली हैं। जबरदस्त, तो कैसे बच्चों की चिक्स आए थे, क्लियर आए थे कि जरा? माशाल्लाह बहुत क्लियर आए थे और मुझे इस चीज़ की वो बड़ी खुशी हुई है कि स्प्लिट बर्ड की वजह से वो सारे के सारा मास्किंग क्लियर हो गई थी। जबरदस्त माशाल्लाह, इसमें भी मुझे आपके दो से तीन जो बर्ड है वो ब्लू लग रहे हैं। इसमें पेस्टिलिनो का मेल है माशाल्लाह और उसके साथ अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है। वो मेरे ख्याल से अभी बॉक्स के अंदर ही? हाँ जी, बॉक्स के अंदर है। लेइंग की हुई है कि हैचिंग स्टार्ट? नहीं, हैचिंग स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। इसके छः अंडे थे, छः के छः फर्टाइल हैं और माशाल्लाह। तो कितना क्लच जा रहा है शहजाद भाई इसका आपके पास? ये इसका थर्ड क्लच है। जबरदस्त, फीमेल अग्रेसिव लग रही है? जी बिल्कुल अग्रेसिव है। जबरदस्त, तो बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे पालती होंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे पालती है और इसके माशाल्लाह सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे सरवाइव करते हैं। तो क्या रिजल्ट आया था आपके पास शहजादी इसका? इसमें दो अल्बाइनो रेड आइज निकले थे माशाल्लाह, एक इसमें ब्लैक आई निकला था, एक ब्लू पेस्टल और एक पेस्टलिनो निकला था माशाल्लाह। क्रीमिनो नहीं भी आपको आया? नहीं, क्रीमिनो नहीं आया था। चले जी, अल्लाह ताला वो भी आपके पास निकाले जी। मतलब जैसे बता रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आपकी फीमेल इंक्यूबेट कर रही है। जी जी, तो माशाल्लाह एक रेड बर्ड आ भी चुका है माशाल्लाह। जी 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 माशाल्लाह जबरदस्त। आजमान भाई, ये मेरा दूसरा पेयर है, इसमें मैंने अल्बाइनो रेड आइज के सारे अंडे फोस्टर किए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे फोस्टर करते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह, इसके अंदर अंडे फोस्टर किए हैं? जी मैंने फोस्टर पेयर है। हाँ जी, ये फोस्टर है, मैंने वो आपकी वीडियोस देख के ना सारे का सारा नॉलेज हासिल किया है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर था, इससे बहुत सारा सीखा मैंने। जबरदस्त, मैंने ये सारे के सारे अल्बाइनो रेड आइज के अंडे जो है इसके नीचे फोस्टर कर दिए हैं। जबरदस्त, वो आगे दिखाया आपके पास, तो आप तो कह रहे थे कि मतलब ब्रीड वो बैठी हुई है उसके नीचे? नहीं, वो मैं आपको पेयर दिखा देता हूँ। सही, अच्छा वो पेयर भी है? हाँ जी माशाल्लाह, ये इसके अंदर है, ठीक है, एक ही पीस है। हाँ जी, ये फीमेल है, ये अपने सेकंड अंडे जो है ये इधर हैच कर रही, मेल मैंने दूसरी जगह छोड़ दी है। जबरदस्त, मतलब कि आप एक मेल को डबल मल्टीप्लाई? हाँ जी, मैंने एक मेल को दो जगह पे यूज किया है, पहले अंडे लेके मैंने वो फोस्टर कर दिए, अब वो खुद हैन जो है अंडों को हैच कर रही है, मतलब कि इंक्यूबेट कर रही है? बिल्कुल कर रही है, मतलब कि जो उसने अपना क्लच दिया है वो अपने अंडे खुद? हाँ जी, वो अपने अंडे खुद हैच करके खुद पालेगी भी, और सेकंड जो है वो मैंने मेल को दूसरी हैन के साथ छोड़ दी है। मतलब कि आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे एक साल के अंदर अंदर? जी जमान भाई, ये सारे मैंने आपकी वीडियो से सीखा है, जो दोस्त बताते हैं मैंने उसी को नॉलेज को आगे कंटिन्यू किया है, एक्सपीरियंस। तो मेल किधर है, वो किस फीमेल के साथ छोड़ा? मेल ये मैंने नीचे छोड़ दिया है। जबरदस्त,
माशाल्लाह, यहाँ तो मेरे ख्याल 3-4 पीस नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, उसमें एक है अल्बाइनो रेड आइज और उसके साथ है पारब्लू अपलाइन। अच्छा, मतलब कि आपने अल्बाइनो रेड आइज को पेस्कलिनो से बाउंड किया दोबारा? जी सही, माशाल्लाह। तो इसमें 2 पीस को छोड़े हुए आपने? वो इसलिए मैंने छोड़े थे, वो मेरा थोड़ा जो था वो रेस्ट पे था। सही, मतलब फीमेल इसके साथ वैसे बाउंड है? हाँ जी, वो बिल्कुल बाउंड है। ये 4 से 5 दिन मैं रेस्ट दूंगा इसको, उसके बाद दोबारा इनको बॉक्स दे दूंगा। ज़बरदस्त, बड़ा लॉजिक अच्छा लगा आपका माशाल्लाह, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह। हाँ जी, चलें जी, अल्लाह ताला आपके इस शेड में मज़ीद बरकत दे आपको। आमीन जी। अजमान भाई, ये मेरा फोस्टरिंग का एरिया है, यहाँ पे मैंने ग्रीन फिशर जो है वो फोस्टरिंग के लिए लगाए हुए हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। हमने कॉमन रूटीन के बाद ग्रीन फिशर भी लगाए हुए हैं? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन के हैं और फोस्टरिंग अच्छी कर रहे हैं आपके जी पास। बिल्कुल, फोस्टरिंग अच्छी करते हैं, और ये जितने भी मैंने अंडे इनके नीचे फोस्टर्स किए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे पाले हैं इन्होंने। ज़बरदस्त, मतलब कि 2 पेड़ तो ये हो गए जी। ये नीचे जो थर्ड पलप है ये इसमें है वॉयलेट पर अपलाइन की हैन है, और उसके साथ ग्रीन स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, और माशाल्लाह इसकी भी जो है वो लेंग आई हुई है, 4 eggs जो है वो आ गए हैं माशाल्लाह। तो इसका कितना क्लच है आपके पास? ये इसका सेकंड क्लच है। मैं फर्स्ट के अंदर क्या रिजल्ट आया था आपको? पहले मैं इसमें 2 green आए थे और 2 ब्लू आए थे माशाल्लाह। मतलब कि आपने ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ब्रीडिंग को अच्छा करने के लिए आपने ब्लू टू ग्रीन बर्ड लगाया? हाँ जी बिल्कुल लगाया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया इनका। जबरदस्त माशाल्लाह। और इसके नीचे जो है वो उसमें मैंने ये एज ए फोस्टर यूज की है। ये भी फोस्टर पेयर? हाँ जी, मैंने एक में ही 2 छोड़े हुए और ये बॉन्डेड पेयर है, और माशाल्लाह ये दोनों ही बहुत अच्छी जो है वो फोस्टरिंग कर रहे हैं। जबरदस्त। तो इस केज का साइज क्या है माशाल्लाह? ये 3 1/2 by 1/2। जबरदस्त, मतलब केज आपने काफी खुला डुला दिया हुआ है। जी बिल्कुल, उसमें मेरे 2 फायदे हैं, एक तो बर्ड को अच्छी फ्लाइट भी मिल जाती है, बिल्कुल, और सेकंड वन ये है कि उसमें आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप बॉक्स बेशक फ्रंट पे लगा लें या साइड पे लगा लें। माशाल्लाह जबरदस्त। तो आपके पास सारे चिक आपने सेल कर दिए पड़े हुए आपके पास? नहीं, ये थोड़े से मेरे पास अवेलेबल है। जबरदस्त, ठीक है। जो बहुत चले कौन कौन से? इसमें DD पारब्लू है, पारब्लू अपलाइन है। जबरदस्त। तो सर, अगर किसी ने वीडियो देख के आपसे डिमांड की तो फिर अपलाइन है जी, इंशाल्लाह अगर कोई भाई मुझसे डिमांड करेगा तो ये इनके लिए अवेलेबल होंगे जी। जबरदस्त। तो एक बार फिर बता दें कौन कौन से चिक्स हैं इसके? इसमें DD पार ब्लू फिशरी मार्किंग में, माशाल्लाह, पार ब्लू अपलाइन, ग्रीन यूविंग अपलाइन, और साथ में पार ब्लूज, माशाल्लाह, ग्रीन अपलाइन भी है आपके पास? हाँ जी, पार ब्लूज भी आपके पास। जबरदस्त, मतलब 6 chicks आपके पास ये अवेलेबल? हाँ जी, ये फर्स्ट क्लास के बेबीज हैं और ये अवेलेबल हैं। जबरदस्त जी शहजाद भाई, जैसा कि माशाल्लाह आपके बर्ड भी दिखाए, पहले ही साल के अंदर माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी वर्किंग की हुई है, बड़े अच्छे अच्छे आपने केजेस लगाए हैं, और बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट आपने माशाल्लाह अपने बर्ड्स को दिया हुआ है। हालांकि आपने मेरे ख्याल से अपने घर का जो स्टोर रूम है उसको एज अ एक ब्रीडिंग पर्पज के लिए ब्रीडिंग रूम आपने बनाया, और माशाल्लाह बड़ा वेल मेंटेन किया हुआ है आपने। जी, मैंने ये एक एक्सपीरियंस के तौर पे स्टार्ट किया था। जबरदस्त। तो मुझे बहुत अच्छा सक्सेसफुली इसको मैंने पाया है, तो इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज में इसको प्रॉपरली एक्सटेंड करूंगा और बिल्कुल लाइन अप करके इसको अच्छा बनाऊंगा। अच्छा बनाऊंगा माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला इसमें आपको मुजीद बरकत दे जी। आमीन जी। अच्छा, तो शहजाद भी अपना सेल फोन नंबर जो है वो स्क्रीन पे बोल दें और अपना एड्रेस भी बोल दीजिए ताकि आसानी हो सके हमारे व्यूअर्स जी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास जेल रोड पे ID कार्ड का ऑफिस है, वहाँ मेरा रहायश है। 0345778965 मेरा सेल नंबर है, और व्हाट्सएप भी इसी पे है। एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा। 0345778965 नंबर है। जबरदस्त। और जो भाई कांटेक्ट करना चाहे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। जरूर जी व्यूअर्स, जैसा कि माशाल्लाह आपको शहजाद भाई का सेटअप मैंने दिखाया, माशाल्लाह अभी फर्स्ट साल है उनका, बड़ी अच्छी माशाल्लाह उनके पास ब्रीड आई है और बड़ा अच्छा वो सेटअप को रन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि देखे कि स्टोर रूम के अंदर ही उन्होंने माशाल्लाह एवरी बनाई हुई है, जो हमारे लव बर्ड की एक बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह लव बर्ड जो हमारे फैंसियर्स हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक कह लें कि अपने लिए साइड बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। अल्लाह ताला इनके सेटअप में मज़ीद बरकत डाले। और आपको इनका सेटअप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इनका फ़ोन नंबर जो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर चला दूँगा, आप आसानी से रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।